सीताराम 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 सीता रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की दयालु सदगुरुदेव भगवान की। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहन पै परिहरि बार विकार। ये जड़ और चेतन के संयोग से, गुण और दोष के मिश्रण से भगवान ने संसार की रचना की है। वही चेतन तत्व इस शरीर में सबके है और देह को चेतनशील वह बनाए हुए है। चेतना शरीर में है नहीं, उसके निकल जाते ही यह जड़ हो जाता है। जिस प्रकार तवे को आग पर रखा जाए तो अग्नि के संपर्क में जब तक है तो तवा अग्नि जैसा ही लाल रहता है, और अग्नि के बुझते ही तवा तो ठंडा होता है। तवा में हाथ लगाओ तो उसमें गर्मी नहीं है, लेकिन जब तक अग्नि के संपर्क में है तब तक आग जैसा ही लाल हो जाता है, उसको भी छूने से हाथ जलने लगता है। उसी प्रकार अग्नि रूप में वो चेतना हमारे अंदर में, आत्मचेतना हमारे भीतर में प्राणवायु बन के संचरित हो रही है, और उसके निकलते ही ये शरीर जड़ हो जाता है। और जिस पंचभौतिक तत्वों से बना है ये उसी में मिट जाता है, मिल जाता है। वैसे ही गुण और दोष भी मिला हुआ। अग्नि का गुण है कि वो भोजन पकाता है, उष्मा देता है, और दोष है कि हाथ को जलाता भी है। वो कमरे में सही ढंग से रखा जाए तो जाड़े में गर्मी भी देता है, और छप्पर में रख दिया जाए तो आग लग के घर जल भी जाता है। उसी प्रकार ये सृष्टि में सब जगह, अब उस जड़ में चेतन को देखना, उस गुण और दोष में गुण को देखना संत की बुद्धि से होता है। संत हंस बुद्धि धारण करते हैं। जैसे पानी में दूध मिला हुआ है और हंस के चोंच में ऐसी क्वालिटी होती है कि उसको डुबावे तो अपने आप उससे दूध को सक कर लेता है, खींच लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार संत जन हंस बुद्धि धारण करते हैं और हंसों में भी ऊँचे परमहंस हो जाते हैं। कि सृष्टि के जड़ भाव से नहीं, इसके उस चेतन तत्व को लखने लगते हैं, और वह चेतना कभी नष्ट होती नहीं, वह अजर अमर अविनाशी है। इसलिए इस जड़ के नष्ट होने से, बनने बिगड़ने से, इसके रोग दुख से उन्हें शोक नहीं होता, दृष्टा बन के देखते हैं। अब उस महात्मा की दृष्टि कैसी होगी जिसके जांघ में फोड़ा पड़ा हुआ था, उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे और वो धूप में खूब टांग पसार के मजे से कीड़ों को खिला रहे थे, वो बलबल बलबल करके उसको खा रहे थे। कीड़े नीचे गिरे तो उठा के फिर उसमें डाल देते थे और इतना खुश थे जैसे किसी को भोज दे रहे हैं। अब बताओ, उन्हीं का मांस और खून चूस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बगल अगल से आदमी गुजरा, उसने देखा कि बाबा ये क्या कर रहे हो,
यह सैन बन जाएगा और कभी काटना पड़ेगा पांव, सड़ जाएगा। यदि पैसे नहीं हैं तो अमुक अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है, जाके इसको सर्जरी करा के इसका बैंडेज पट्टी करा दीजिए। तो उन्होंने हंसते हुए जो मिसाल दिया, जिसे अक्सर मैं कहा करता हूँ, तो उन्होंने पूछ दिया उस आदमी से कि भले आदमी, बड़े उपकारी मालूम पड़ रहे हैं आप, कि मेरे शरीर की चिंता आप कर रहे हैं। कल कहाँ ठहरे थे? तो अमुक होटल में। होटल का बिस्तर सब ठीक ठाक था, फटा फुटा तो नहीं था, उसमें सफाई ठीक थी, नालियाँ ठीक थी, लेट्रिन बाथरूम टॉयलेट सब साफ सुथरा था। अब होटल का जैसा रहता है वैसा ही था, तो फिर इतनी जल्दी छोड़ के आ क्यों गए? दो चार पाँच दिन रह जाते, ज़रा उसकी मरम्मत करवा देते मजदूर लगा के, और बिस्तर भी ठीक करवा लेते, टॉयलेट भी सफाई करवा देते, सब थोड़ा सा ठीक ही करवा देते। तो हंसा कि मैं आया था तीर्थ करने, नहाने के लिए, एक दिन का किराया दिया और फिर यहाँ ठहरा, अब नहाए के घर जाएंगे, अपना कारोबार देखेंगे कि वहीं बैठ के उसकी सफाई करावें, मरम्मत करावें। तो बाबा हंसने लगे, कहे कि शरीर में 82 वर्ष हो गया है रहते हुए इस मकान में, और बड़े सुख से रहे इसमें रह के, किराए में मैंने जो काम बनाना था वो बना लिया है, और अब इसको कल खाली करूँगा। तो ना हम किसी का एहसान क्यों लेने जाए कि आप हमारा बैंडेज कर दो, तो ये कर दो, इतने दिन तक से तो अपना काम कर ही लिया है, पटा है पटा रहे, इसलिए अब एक दिन के लिए एहसान नहीं लेने जाऊँगा, आप जाइए अपना काम कीजिए, वैसे मूर्खता हमको क्यों सिखाते हैं। तो बेचारा उनकी अजीबोगरीब बात सुन के चला गया। दूसरे दिन गया तो बाबा वहीं मरे पड़े हुए थे, और 10 साधु मिल के उनकी टांग पकड़ के गंगा जी में फेंक दिए, जो जल तत्व था उसमें मिल गया। तो ये दृष्टि कैसी थी कि शरीर के भीतर की चेतना, जो चेतना उस परम चेतना से, उस आत्म चेतना से, उस ब्रह्म चेतना से उसका तादात्म्य कराना था, सो साधना करके कर लिया उन्होंने, और जड़ चीज पड़ा रह गया। उसी प्रकार से हंस लोग वो दूध को पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। हमारे अंदर में रोग शोक और बंधन व्यसनानिच सब जो है उस जड़ और चेतन को मिला दिया है हमने। चेतन की अनुभूति भी तो होती है, लेकिन वैसे ही जैसे चीनी और बालू मिला हुआ है, तो चीनी बालू का साइज और टच करने से एक ही जैसा रहता है, लेकिन अब दोनों मिला हुआ है और आँख अंधी हो तो कहा चीनी, तो हाथ में लिया तो छूने से तो एक ही जैसा है, लेकिन उसमें मुंह जब मारेगा तो चीनी का कुछ मिठास भी आएगा और बालू की कड़वाहट कड़कड़ाहट भी दांत में पड़ेगी, तो बेचारा परेशान होगा। कोई आँख वाला क्या कहेगा कि बाबा ये पानी ले लो और उसमें उस चीनी बालू को डाल दो, चीनी घुल जाएगा, और पानी को किसी कपड़े से छान कर लो और चीनी को पी लेना, मीठा हो जाएगा। तो गुरु लोग कहते हैं कि जो कोहम कस्तम शिशु कस्य कुतो सिगंता, कि है शिशु तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ जाने वाले हो, यात्री हो ना, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से आए थे, ये भी पता नहीं, हमें कहाँ जाना है ये भी पता नहीं, हम कितने दिन शरीर में रहेंगे ये भी पता नहीं है। मूर्खता में अजीबोगरीब बात करते हैं, यहाँ आए हैं कहते हैं अमुक जगह मेरा घर है और मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा सब कुछ है, और मरते ही उसको छोड़ देगा। ते मूर्खता की बात सुन के साधु जन हंसते हैं, और इसी भ्रम को दूर कराने के लिए गुरु महाराज उस तत्वज्ञान का, उस वेद के महामंत्र का उपदेश करते हैं, और उपदेश करते हैं सो हम सो हम सो हम जपो,
ये कोहम का जवाब है सोहम, तुम कौन हो तो मैं वह हूँ, मैं वह चेतना हूँ मैं जो भीतर में रमण करता है और कणकण में रमण करता है, वह चेतन तत्व मैं वह हूँ, मैं यह नहीं हूँ जो कल मर जाएगा, इसको रोग होता है, इसको शोक होता है, ये कभी क्षय होकर नष्ट भी हो जाता है। तो इसी भूल को समझाने के लिए गुरु ने महामंत्र का उपदेश दिया। अब हमारी हंस बुद्धि जगाने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम बताए। वो हंस बुद्धि जगती कैसे है? योग से, अष्टांग योग जो करते हैं तो उस योग में बिल्कुल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और तब समाधि, वहाँ पर समाधि को कहते हैं समधि, धी बुद्धि को है, प्रज्ञा को है, पंडा को है, जो भीतर की बुद्धि अभी चलायमान है वो सम को प्राप्त हो जाए, समत्व को प्राप्त हो जाए, और उस समत्व को प्राप्त होते ही भीतर में एक महानंद छा जाता है, तो योग से वो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। और ज्ञान से भी वही तत्व ज्ञान जो चारों वेदों का महामंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिवोहम और सोहम, ये चारों वेद का महामंत्र है। किसी एक चारों का अर्थ एक ही है, किसी एक की धारणा में का अभ्यास करते 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 वो स्थिति हो जाती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तत् त्वम असि, जो तत् है तत् तत्व है वही तुम भी हो, और शिव हूँ मैं और सोहम हूँ मैं, ये चारों का अर्थ यही है। किसी एक की धारणा करते हैं ज्ञानी जन और उसमें स्थित हो जाते हैं। भक्त जो है अपने प्रेमास्पद में अपने अस्तित्व को विलय कर देता है। गोपियों ने प्रेम किया, आठों पहर घर के कामकाज में उन्हें कृष्ण नजर आते थे, बिस्तर लगाती थी तो मेरे कान्हा सोएगा, मक्खन बिलोती थी तो मैं कान्हा को खिलाऊंगी, कुछ भी करती थी तो कान्हा आएगा, घर की सफाई करती थी तो कान्हा को बुलाना, उनका अपना भाव मेरा घर साफ होगा मेरे मैं खाऊंगी ये भूल गया, कान्हा सब करेगा, तो उसमें भी अपना स्वत्व जो है उस कान्हा के कृष्ण तत्व में विलय कर दिया। भक्त इस तरह से विलीन कर देता है अपने प्रेमास्पद में अपने अस्तित्व को। और चौथा लाइन निष्काम कर्म का बताया कि ये सेवा जो है तो सेवा भी तो किसी सेव्य कोई के ही प्रति अर्पित किया जाता है, और वो सेव्य वह प्रेमास्पद जैसा है वैसा ही सेव्य है, सेव्य का भी बंधन कटा हुआ है, उसका दैहिक और बिल्कुल जागतिक प्रपंच मुक्त हो गया है, इसलिए उसके उससे प्यार करते करते और हमारा भी देहाध्यास खत्म हो जाता है। गुरुदेव प्रभु समझाते थे कि एक कांटा गड़ गया हो पाँव में तो एक दूसरा कांटा सुई भी कांटा है, उस कांटे को लिया जाता है और उस कांटे के बगल में इसको और गहरा ले जाया जाता है और उसके नीचे से जाके फिर कुरेद के निकाल के दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। अब एक कांटा था ही, फिर दूसरा कांटा क्यों घुस आया? कारण कि कांटे से ही कांटा निकलता है, उससे निकाल लिया, निकाल के फेंक दिया। उसी प्रकार जो अंतर इतना ही है कि पहले वाला कांटा जो घुसा था उसका दोनों छोर हाथ से अंदर चला गया था और एक दूसरे कांटे का एक छोर हाथ में है, दूसरा छोर अंदर घुसा हुआ है, इसीलिए ये हाथ में है, इसको पकड़ के कुरेद के निकाल भी लूँगा और खींच भी लूँगा, और वो चूँकि दोनों छोर उसके अंदर में गया हुआ, इसीलिए एक देह और दुनिया का प्रपंच जो हमारे अंतःकरण में मोह माया और अज्ञानता पूर्वक इसमें धंसा हुआ है उसको गुरु के संसार से प्यार किया जाता है। गुरु का परिवार, गुरु का आश्रम, गुरु का ये, गुरु का शरीर, इससे प्रेम लगाया जाता है और इस प्रेम को लगाने के बाद में वह पूरे उनके संसार का प्रेम, उनसे प्रेम पैदा करेगा, उनका प्रेम चूँकि पंचभौतिक शरीर का उन्होंने अपना माया मोह नष्ट कर दिया है इसलिए उनका प्रेम उनके शब्द से प्रेम कराएगा,
जो मंत्र दिया है उससे, और मंत्र तो ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें हमारा विलयन हो जाएगा। इसलिए शुरू शुरू में आश्रमों की सेवा बताई जाती है, आश्रम के नाते उनके भक्तों की सेवा बताई जाती है। ये हमारा सिद्धांत है, हमारे लाइन का है ये। अध कचरा नहीं कि आधा थोड़ा ज्ञान तरफ भी ताकतें, आधा थोड़ा योग भी करने लगे, आधा निष्काम सेवा की तरफ भी आ जाए, नहीं। एक लाइन का पक्का यदि हो जाए तो उसको वही चीज़ प्राप्त होती है जो एक ज्ञानी को होती है, जो एक यागिक को होती है, एक कर्मकांडी को होती है। यदि इस लाइन का अर्थ समझ के करे तब। सिखों के गुरुओं ने गुरु की आज्ञा पर मिटा दिया अपने आप। चबूतरा 64 वर्ष की उम्र में गुरु रामदास जी ने बनाया, और चबूतरा को आज्ञा हुई बनाया, आज्ञा हुई मिटा दिया, फिर आज्ञा हुई बनाया, फिर मिटा दिया, और ऐसे करते रहे। अंत में गुरु साहब ने पूछा, एक एक करके जो होशियार लोग थे सब किनारे हट गए कि सुबह से बनाते हैं शाम को ढावा देते हैं, फिर बेकार को बनाने से क्या फ़ायदा। वो बूढ़े बेचारे 64 साल, सेवा के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो भावना की कैसे मेल रखता है वो। अब वो बेचारे बूढ़े ऐसे तलतला के तसला से मिट्टी ऐसे बटोरते थे और चिकना करते थे, एकदम जैसे अपने गाल को चिकना किया जाता है वैसे गुरु के उस आज्ञा को चिकना करते थे। गुरुदेव आए शाम को, कहे कि क्यों अकेले क्या लगे हो, कहा कि बस अकेले हूँ, मैंने हुक्म दिया है आपने। कहा कि बाकी कहाँ गए, कहा बाकी चले गए। क्यों चले गए, कहा रोज आप बनवाते थे ढहवाते थे, कहा तो भी चला जा। कहा कि महाराज मैं चबूतरे का सेवक नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपने मुझे बनवाया और जीवन के अंतिम दिन तक किसी की तरह बनवा के ढहाते रहेंगे और मैं उसी तरह करता रहूँगा। एकदम खुश हो गए गुरुदेव और गले से लगा लिया कि जा तू मेरा रूप बना, और अपने रूहानियत दे दी, उसको सारी शक्ति सौंप दी। तो ये सेवा के रास्ते से वो भी तत्व मसी हो गए कि नहीं, जो तत्व हो वही तुम भी हो, जो स्व गुरु तत्व है वही मैं भी हूँ। तो उस स्थिति को प्राप्त हो गया। कोई मैं क्या कहते हैं, अद्वैत और द्वैत हैं, द्वैत में सारा संसार जीता है और अद्वैत में तो ज्ञानी जीता है और अद्वैत को उपासक जीता है, दो कोई है ही नहीं। वही आत्मा सब में आप लखाती, राम याद कैसे करूं संघाती, अब किससे करूं मैं, ये तो बिल्कुल आत्मा राम प्रकाश हुआ, अब कैसे करूं संघाती, सारा तो मेरा ही रूप है। इसलिए जो स्थिति उनकी थी वैसी होती है, एक भक्त और सेवक की भी वही स्थिति होती है जो सबकी होती। पूजा करने गए वहाँ अमरनाथ मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी, अपना जो काम करना था गुरु का नाम का प्रचार सारी दुनिया में करके आ गए। सिस्टर निवेदिता के साथ में हुआ, साधु हैं चलो वो कर लेते हैं अमरनाथ का दर्शन। वहाँ गए, वहाँ गए तो फूल प्रसाद वगैरह विश्वविख्यात हो चुके थे, तो ऐसे फूल लेके हाथ में लेके भगवान के विग्रह पर चढ़ाने लगे, और चढ़ाते चढ़ाते ही आँखों से आंसू गिरने लगा और हाथ में फूल ऐसे हाथ थर थर काँप रहा है। निवेदिता ने कहा स्वामी जी फूल अर्पण तो कीजिए। कहा किस पर बेटी, किस पर चढ़ाऊँ। कहा शिव पर। कहा ये फूल भी तो शिव है, ये चढ़ाने वाला भी तो शिव है, ये चढ़वाने वाले भी तो शिव है, और चारों तरफ ताकता हूँ तो सब में शिव है, किस पर किसको चढ़ाऊँ। कहाँ कि ये, कहाँ कि वही तो सब में दिखाई पड़ने लगा है। समझ गई, किसी तरह से हाथ झाड़ के चढ़वाया, बाहर ले आई। अचेत सी हालत हो गई, वह कैसी दशा होगी कि जर जर्रे जर्रे में वह शिव दर्शन करने लग गए। तो कहे कि निवेदिता किसी तरह बंगाल ले चलो। गुरुदेव कहे थे कि मेरा काम कर लो, और मेरा काम जब पूरा कर लोगे तो वह आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जिसको पाने के 21 दिन के बाद तुम्हारा शरीर पेड़ के सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएगा। शायद वही क्षण आ गया है। इसीलिए गए और ठीक उसके 21 दिन के बाद में उनकी समाधि हो गई। वे वो कैसा किया उन्होंने, अब उन्होंने पहले पूजा की होगी कि ना की होगी ये भगवान जाने, लेकिन गुरु की सेवा की उन्होंने, गुरु के नाम का प्रचार किया, पूरे विश्व के घर घर में अपने गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण का नाम उजागर कर दिया,
वह सेवा से आत्मशुद्धि हो गई, जल जल में शिव तत्व प्रकट हो गया। जो एक ज्ञानी ज्ञान से करता है वह अनन्य गुरु भक्त, जिसके लिए माँ बाप को छोड़ा था, भूखे माँ और परिवार वालों को दाने दाने के लिए मोहताज होकर त्याग आया था, उसके लिए बस उसी के लिए होके रह गए। जब स्पर्श करके उनको सिद्धि दी थी तो ठाकुर रामकृष्ण देव हाथ जोड़ के उनके पास चरणों में बैठ गए, कहे नरेंद्र जीवन भर की कुल कमाई आज तुझे दे के मैं कंगाल हो गया, देखो तू क्या बदला देगा। कहने लगे कि महाराज आशीर्वाद दीजिए मेरे सिर पर, इस जीवन का एक एक कतरा एक एक प्राण बचेगा तब तक संसार के छप्पर छप्पर पर आपके नाम का झंडा फहरा के रहूँगा मैं। और वो किया उद्योधा सन्यासी ने, अपने गुरु का कितना बड़ा बंदा निकला कि सारे विश्व भर में आज उस पंडित पुरोहित को जो अनपढ़ थे, निरक्षर भट्टाचार्य थे, और आज भगवान रामकृष्ण के रूप में संसार जानता है, ये उस शिष्य ने किया, उसने अनन्य गुरु भक्ति की। लोग आज विवेकानंद को एक पैट्रियोटिक सेंट करके कहते हैं, वे देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई वेदांती कहता है, कोई योद्धा सन्यासी कहता है, कोई उनको देश के लिए आज़ादी के लिए ये कहता है, और मैं तो उन्हें अनन्य गुरु भक्त कहता हूँ। उस रोने वाले ठाकुर को जो रो के उनके मुंह में मिठाई खिला के तैयार किए थे, अपने प्यार से अपने गले में लगा के उनको खड़ा किया था उन्होंने, और उसका बदला दिया है आज कि हम तो उनके उसी गुरु भक्ति के रूप को देख के हम भी साधु बने थे। आज उनकी याद करता हूँ, उनके स्मारक पर जाता हूँ तो कहता है कि हे पुण्य श्लोक, आप तो जो कर गए खास उसका अधूरा अंश भी हम लोग भी कर पाते, अपने गुरु के लिए उसी रास्ते पर चले हैं, और किंचित इस जीवन के अंत अंत तक से वह किसी रूप में पूरा हो जाता आप करवा लेते। वह योद्धा सन्यासी अंत में उसी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गए, गुरु के प्रेम करके, गुरु की सेवा करके। तो हमारा प्रेम भक्ति और सेवा का रास्ता है, निष्काम कर्म का रास्ता है, ये शिक्षा दी उन्होंने। तो उनके विद्यालय की ये पाठशाला है, एक लाइन में कह गए हैं, जिसने गुरु को ही जीवन में अपना सब कुछ समझा हो, जिसने गुरु के परिवार को ही अपना परिवार समझा हो, जिसने गुरु के घर को ही अपना घर समझा हो, जो गुरु के आज्ञा पर और गुरु के लिए अपना जीवन बिताया है, उसके लिए मुक्ति और मोक्ष सोचना नहीं पड़ेगा, और मुक्ति तो पीछे पीछे उसके आएगी। ये गुरुदेव भगवान का अपना अनुभव है और अपने उनके अमृतमय वचन है, हम उसी लाइन पे हैं, हमारी पढ़ाई वही है। और ये सही है अभी जो गाया कि जो वहाँ पर जब मेरे सतगुरु तुम्हारा याद आता है, बस गिरा गदगद और नयन पुलकित नयन से नीर बहता है, मेरा मैं वही हूँ, उसकी उपासना करो, उस पर फूल चढ़ाओ। मैंने जीवन के पूरे क्रीम को, अपने जीवन के पूरे कमाई को, पूरे अरमान को मैंने लुटाया है, और अपने मोह के बंधन को, संसार को मैं हथौड़े की चोट से मार मार के मैंने कुल्हाड़ी से काटा है, और तब उनका प्यारा बना उस बसुरी जैसा जो कृष्ण के ओठ में सट के ओ गोपियाँ कहती हैं, कह रहे अभागिन मुरलिया लियो श्याम बिलमाए, ये तुम्हीं के चक्कर में तो दिन भर रहता नहीं तो पहले आ जाता हम लोगों के पास, यही दुश्मन है, सौत है हमारी, ये इसमें चिपकी रहती है उनके वोट से। तो बेचारी हंसती है, कहती है कह रहे अंदर की सर्बस तजी और कुल तजी तन ही जराए, सौंप ही निजय प्रभु कर भई सदा सुहागिन माए। ये माताएं, अय गोपियाँ, मैंने तो अंदर का सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे काम खत्म हुए, मेरे क्रोध खत्म हुए, संसार का मोह खत्म हुआ, मैंने अपना अहम भाव त्यागा, कलेजा में चाकू से खुरज खुरज के खोखला बना दिए गई, और भीतर में तो कुछ रहा ही नहीं है। अब इतना 900 शौक, 900 अभिलाषाएँ, 900 प्रपंच, तो तुमको कैसे सटाएंगे वो। इसलिए अंदर की सर्वस तजी और कुल तजी, जिस माँ बाप के घर में जन्मी थी बंसवार में, वहाँ काट दिया गया और काट के छिल छिल के मुझे लाया गया, और ला के बस कुल तज तन ही जराए,
आग लहका के खूब लाल लाल, और उस पर सेंका जाता है, उसको सेंक के हरा से पीला कर दिया गया, और फिर तन ही जराए और जरा के लाल सुवा को घोंप घोंप के चार गो छेद किया गया। अरे कुल को तजा, भीतर का सारा अरमान जला दिया, अपना परिवार छोड़ा, देह जलाया और कलेजे में सुई घोंपवाया, और तब न उनके ओठ में सटी हूँ, तेरा तो पति भी जिंदा है, तेरा तो घर वाले भी जिंदा है, तेरे भीतर में अरमान भी, तेरे तो को अपना अपने को देह से जैसा जाना तुमको सोचता है, तुम्हें खाना अच्छा लगता, तुमको पहनना अच्छा लगता, तुमको झगड़ना अच्छा लगता, तुमको भीतर का प्रपंच अच्छा लगता है, भीतर में तो ठसा ठस गलीज भरे हुए है, अब तुम्हें कैसे चिपकाएंगे भाई, इसलिए जलाया मैंने। उनके प्रेम में सारी रात आँखों में यदि नींद आवे तो आँखों में मिर्चाई घस लेते थे कि परपराएगा तो नींद नहीं लगेगी, और बिल्कुल खड़े होके ऐसे करके बिल्कुल खड़े हैं लकड़ी जैसा कि कब सरकार के गिलास पानी मांग देंगे। तो फिर कुलता जी तन ही जराए, तन को जराया, खाएंगे तो फिर नींद लग जाएगी, इसीलिए बिना खाए हैं ढलाई का मसाला तैयार करना है कल के लिए, इसलिए चलो आज चाय पी के रह जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, नहीं तो खाते करते कुदाल में, और पूरी रात में ही मसाला फेंट के रख दिया गया। ये जराना होता है, कुल तजी तन ही जराए, जराया और फिर सौंप दिया उनको। अब सौंप देने का मतलब ये नहीं कि हमको तो ज़मीन पर भी फेंक दें तो झगड़ा नहीं करेगी बसुरिया जो है, और उठा के रख देते हैं जहाँ भी जैसे भी रख देते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जब इतना मेरी कुर्बानी देखे तो द्रवित होकर उन्होंने वोट से लगा लिया और अपने पास ही सटा के रखते हैं, सोते हैं तो सिरहाने रखते हैं मुझे, तुम्हारा तो सब कुछ बना हुआ है, तू कैसे अपेक्षा करती है वैसा रहने के लिए, इसीलिए मुझे प्यार करने वाले कदाचित मेरे जीवन के लक्ष्य को समझते, श्रद्धापूर्वक मेरी आँख के नज़दीक बैठेंगे तब आएगी, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर में अपना हिसाब भी लगाते रहें और बस ऊपर से लटका हुआ हाथ भी गया, बाबूजी को सलाम भी हो गया, ऐसे नहीं, भीतर से अपने मन के जज्बातों को समेट के अंडे की शक्ल में जाओ और गुरु के सामने बैठो, देखो मांगो कि अपने विचारों को दीजिए, अपने वैराग्य को दीजिए, अपने त्याग को समझा दीजिए मुझे। इसीलिए प्यार करना सीखो, प्यार करने का मर्म जानो और उसके त्याग वैराग्य की गहराई में जाके उसके हृदय को अपनाओ, जो ये चांस मिला है फिर नहीं मिलेगा, पटाक्षेप हो जाए। किसी ने कहा था कि आज तो हम तरसे भी तब भी गुरु महाराज जी के चरणों में तिल लगाने को तो नहीं मिलेगा ना, आज अब तो नहीं रहे वे, आँखों के सुरती से भले त्याग लगा लें, जिनके चरण को छूने के लिए तरसते थे हम लोग, दो घंटा बाहर खड़े हैं कि कब नींद खुलेगी, तो कम से कम तेल लगाने के बहाने उनका शरीर छुएंगे। ध्यान में आता है उनके पीठ की तस्वीर, यहाँ तिल होता था, यहाँ मस्सा होता था, यहाँ ऐसे चिन्ह हुआ करता था, तो फिर समय रहते चूक जाता है आदमी, और समय रहते बस हाजिर में हुज्जत और गायब में तलाश, जाने के बाद में तलाश करता है। इसीलिए ठीक ढंग से गुरु तत्व को जानो, अपने स्कूल के सिद्धांत को समझो और मानो, गुरु के मिजाज को प्यार करो, उसके शरीर को प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर तो उनके चरणों पर चढ़ा हुआ फूल है, और कुछ है क्या इसमें, जो अंदर की चेतना है जिसमें जीता हूँ मैं, जिसमें रहता हूँ, जिसमें रमन करता हूँ, जगते भी सोते भी, उसको पहचानो और उसको मानो, तब फिर मुझे प्यार करना सही बनेगा। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा जीवन है, ये हमारे स्कूल की शिक्षा है, और मेरे गुरुदेव प्रभु का यही टास्क है, मैं जहाँ तक जाना और समझा हूँ। अब उनको जानने वाले भी, कोई भगवत के लिए राधे राधे करके नाच रहा है, कोई जग करा रहा है, कोई कुछ करा ही रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी, अरे तू तो दूसरा लाइन बदल लिया यार, तुमने तो अपना तो लेबल बदल के रख दिया, अब जिस फैक्ट्री में पहले कुछ तैयार होता था, कपड़ा का मशीन बना के उन्होंने कपड़ा का कारखाना खोला था, तो लगा जूता बनाने के लिए। इसीलिए बस अपना लाइन समझना चाहिए, अपने गुरु के मोटिव को, उनके संदेश को समझना चाहिए, और वही हमारे लिए श्रेयस्कर है, वरना हम भी योगियों के उस घरों में पैदा हो जाते, मुझे क्यों बुलाया, मेरे कुदरत ने बुलाया, हम शौक से तो नहीं आए यहाँ,
मेरे प्रारब्ध इसी के लायक था, मैं इसी स्कूल के लायक था, इसलिए इस स्कूल में आया और ये स्कूल की पढ़ाई है। सेवा करो सबकी, सबको प्यार करो, उनके एक एक चम्मच तक को चूमो, उनके घर के जर्रे जर्रे को, कतरे कतरे को संवारो जैसा अपना गाल संवारते हो। संवर जाएगा मन तुम्हारा और तुम मालिक के मंजूर नजर बन जाओगे। हरि ओम तत्सत् गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभा।